सारी व्यवस्था परफेक्ट करेंगे। आप भी जहाँ आपके फ्रेंड्स हो परिवार वाले हो फोन पे भी ये कहें कि लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीजें बना के रखें। मुझे लगता है थोड़े दिनों के बाद जीत जाएंगे हम कोरोना, लेकिन अपन ने जो कोशिश की उसके कारण बाकी देशों के मुकाबले देखा होगा उतना स्ट्रेट नहीं हुआ। भोपाल में भी अपन ने थाम लिया, कुछ दिन और हम लोग लड़ेंगे तो जीतेंगे। और फिर नॉर्मल मिल सकता है क्या मेडिसिन का बॉक्स? सैनिटाइजर करवा फिर भी वो सैनिटाइजर हाथ के लिए है ना। हिम्मत सर और बेटी मामा है बेटियों से मिलने आए हैं, बेटियां परेशान ना हो के लिए है ना। थैंक यू सर, हर परिस्थिति में आपके साथ ठीक है, खुश रहो। थोड़े दिन में अपन जीत जाएंगे तो फिर नॉर्मल लाइफ शुरू। और घर भी फोन करके बता देना मम्मी पापा चिंता ना करें। बता रहे मम्मी मम्मी चिंता कर रही थी कौन से क्या था ना, मामा तो है बता दी। आप आने से बहुत बहुत कुछ हम लोगों को बहुत कुछ आशा की किरण जाती है। बाकी हम लोग संपर्क में रहेंगे, लड़कियों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या आपका इस तरीके से लगता है कि लोग जागरूक हो पाएंगे और इस कोरोना की लड़ाई में हम जीत पाएंगे? देखिए सारा प्रदेश लड़ रहा है, हमारी बेटियां भी बहादुरी के साथ लड़ रही है। तो कई दिनों से यहाँ थी लॉकडाउन के बाद, तो मुझे लगा कि मैं उनसे मिलने आऊं, उनसे बात करूं, कोई समस्या हो तो उसका भी समाधान करें और उनका हौसला बढ़े। और बेटियों ने कुछ चीजें बताई है, लेकिन हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। और जब पूरा प्रदेश लड़ रहा है तो मैं कैसे घर बैठ सकता हूँ? हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हों, नर्स हों, हमारे पुलिस के साथी, राजस्व का अमला, सफाई कर्मी, सब मैदान में जूझ रहे हैं, तो हम भी जूझ रहे हैं, निकले हैं और कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लड़ेंगे इससे और जीतेंगे। सर लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो गरीब तबके के हैं खाना उन तक पहुंच पाएगा, उनको रोजगार की समस्या है, ऐसी उनकी चिंताएं हैं। पूरा भोजन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राशन निःशुल्क बांटने के निर्देश दे दिए हमने, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिलेगा। थोड़े दिन की बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। भोजन की व्यवस्था करेंगे, हर आवश्यक व्यवस्था करेंगे, इलाज की व्यवस्था कर ही रहे हैं और कुछ दिनों के बाद ये संकट खत्म हो जाएगा। तो इंदौर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये आपको लगता है कि चिंता की बात है और हम उनको कैसे कंट्रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? इंदौर एक जीता जागता शहर है। मैं अपने इंदौर के भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं, अरे आप तो वो है जिन्होंने तीन तीन बार स्वच्छता में इंदौर को नंबर एक पे लेके आए। थोड़ी समस्या है, टोटल लॉकडाउन बंद किया है हमने, टोटल लॉकडाउन। कोई जरूरी चीज होगी तो घर पहुंचाएंगे। इंदौर के मेरे जागरूक बहनों और भाइयों, आपका सहयोग चाहिए, आपसे निवेदन करता हूं, आपके लिए, बच्चों के लिए, अपनों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए थोड़े दिन ये कष्ट सहिए। हर संभव तैयारी प्रशासन की वहां है और मुझे पूरा विश्वास है कि जागरूक इंदौर वासियों के सहयोग से जैसे बाकी जगह कंट्रोल किया, इंदौर को भी कंट्रोल कर लेंगे, कोरोना को मारेंगे।